क्लास 10 के भूगोल में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उससे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। संसाधन जो चैप्टर है उससे आज हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कर लेते हैं। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम लोग कुछ कर लेते हैं। मैं आप लोग को चारों ऑप्शन देने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर लिख दूंगा, क्योंकि उसमें समय की हम लोग को बचत होगी और कम समय में हम लोग अपना काम भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि आप लोग को विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताया गया था ये कब मनाया जाता है, उत्तर बताया गया था 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। उत्तर हो जाएगा आप लोग को जीमर मैन ने कहा था। तीन नंबर प्रश्न क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बताया भी गया था रियो डी जनेरिया। उत्तर हो जाएगा रियो डी जनेरिया, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न हो गया था आपको, पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षा हेतु पहला सम्मेलन कहाँ सॉरी कब हुआ था। आप लोग ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण हेतु सब पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था सॉरी कब हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन डाल सकते हैं, यह हम लोग का हुआ था 1992 में, उत्तर हो जाएगा आपको 1992 में। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग अभी 5 प्रश्न दिए हैं, इसको आपको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद 6ठा प्रश्न बता दें।
आपको बताया क्या है, छ नंबर प्रश्न है, एक अजैविक संसाधन का नाम बताओ। उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नदी। सात हो जाएगा, एक जैविक संसाधन का नाम बताओ। उत्तर हो जाएगा आठवां प्रश्न देख लीजिए क्या है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कैसे, सौर ऊर्जा कैसा संसाधन। उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है, ऐसा संसाधन है नवीकरणीय। दस नंबर लिख लीजिए लोग, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन, रसायन का नाम क्या है, क्या नाम होता है जी, एंडिन। उत्तर हो जाएगा एंडिन। आप लोग को मिला है, मिला के ले लो अभी। ग्यारह नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान रखिएगा। जलोढ़
फ्लोर मिट्टी जलोर मिट्टी का निम्न नाम को लिखे। कौन कौन सा हो जाएगा? एक बांगर मिट्टी, बालुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, बांगर मिट्टी, उसके बाद और कौन सा मिट्टी? पुरानी मिट्टी। और इसका नाम कोई नहीं है? बलुई मिट्टी, पुरानी मिट्टी, और इसका कोई नाम है? खाद मिट्टी। और भी कोई है? बारह नंबर मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में किस राज्य में अधिक है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान। तेरह नंबर प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये भी लिख सकते हो आप। उत्तर हो जाएगा रेगुर मिट्टी। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? काली मिट्टी किस राज्य में आधे मिट्टी? अब आप लोगों को देखना है काली मिट्टी किस राज्य में अधिक मिलती है। तो काली मिट्टी के जब आप लोग बात कीजिएगा तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है। उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। पंद्रह नंबर कपास का फसल किस मिट्टी पर अधिक होती है? उत्तर हो जाएगा
काली मिट्टी, काली मिट्टी। मक्का का उत्पादन सबसे यही है, सबसे आगे इस मिट्टी पर होता है। उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पर। नवीन जलो मिट्टी को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा 18 हो जाएगा रेगुल मिट्टी, इसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बता दी जाएगी इसके बारे में आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।